अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 13 में हमारे पास यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 में हम रेशो और प्रोपोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमारा जो टॉपिक है वो रेशो तक है। रेशो में हमने देखा कि हम टू क्वान्टिटीज़ की रेशो को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी बुक्स खोलें, उसमें देखें। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2 है। एन अलॉय कंटेन्स 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर एंड 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक। फाइंड द रेशो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन द अलॉय। तो चूंकि हमारे पास दोनों चीज़ें जो हैं, कॉपर, मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ जिंक जो है वो ग्राम्स में गिवन है, क्योंकि यूनिट सेम है, इसलिए हम इनकी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोनों का मास ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में मास ऑफ कॉपर इज 13.5 ग्राम्स। तो इसको पहले हम डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आते हैं। इसका पॉइंट ख़त्म करके नीचे आएगा हमारे पास 10। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27/2 ग्राम्स। यहाँ पे ये हमारे पास डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मास ऑफ जिंक है, इज इक्वल टू 4.5 ग्राम्स। तो ये हमारे पास 45/10 आएगा। इसको भी हम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/2 ग्राम्स। हाँ जी, हमने मास जो कॉपर और जिंक का गिवन था, उसको हमने डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शनल फॉर्म में कर लिया। अब हम इसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे कॉपर और मास की, सॉरी जिंक की। फाइंड द रेशो बाय मास। हाँ जी, तो स्टेटमेंट में आप देखिए, उन्होंने कहा फाइंड द रेशो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक। कॉपर टू जिंक मीन हमने पहले कॉपर की जो है उसका मास पहले लिखना है, वो है 27/2, और उसके बाद हमने जिंक का लिखना है 9/2। अब हम इस रेशो में देखते हैं कि इनके दोनों जो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहे हैं, उनके डिनोमिनेटर्स को अगर हम कंसीडर करें, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 ही हमारा एलसीएम होगा। इसलिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27/9। अब अगर हम इसकी इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 3 27 9 1 9। सो रेशो इज 3:1, इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। रेशो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इज 3:1, यानी ये हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एलॉय में कॉपर की रेशो 3 है और जिंक की रेशो 1 है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कह रहे हैं कि वहीदा परचेज्ड 8 टेक्स्ट बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹12 एंड 4 स्टोरी बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹9। फाइंड द रेशो ऑफ द अमाउंट शी स्पेंट ऑन द 2 टाइप्स ऑफ बुक्स। हाँ जी, हमारे पास टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक है, और उनकी बताया हुआ है कि कितनी उन्होंने टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक खरीदी हैं और कितनी कितनी खरीदी हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेक्स्ट बुक इज इक्वल टू ₹12।
तब उन्होंने हमें बताया कि उसने 8 टेक्स्ट बुक्स जो है वो परचेज की हैं। अगर एक की प्राइस 12 रुपीज़ है तो 8 की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम जो 1 की प्राइस गिवन है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 8 टेक्स्ट बुक की प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेक्स्ट बुक्स। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20.96। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि वो 4 स्टोरी बुक्स जो है वहीदा ने परचेज की और उसमें ईच कॉस्टिंग 9 रुपीज़ है। तो हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ वन स्टोरी बुक इज इक्वल टू 9 रुपीज़। तो उसने कितनी खरीदी, 8 स्टोरी बुक्स खरीदी हैं। तो 8 की फाइंड आउट करने के लिए, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम उसको जो 1 की गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 30 रुपीज़। अब हमारे पास टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक्स की टोटल कॉस्ट आ गई है जो कि 8 टेक्स्ट बुक पर 96 को स्पेंड कर रही है और 8 स्टोरी बुक्स को वो 36 रुपीज़ में परचेज कर रही है। अब उन्होंने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट शी स्पेंड ऑन द 2 टाइप्स ऑफ बुक्स। तो हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, रेशियो ऑफ अमाउंट्स। रेशो ऑफ अमाउंट्स, तो हमें पता है कि वो पहले हमारे पास जो रेशो फाइंड आउट करने के लिए आ रहा है या हमारे पास स्टेटमेंट में जो था वो पहले टेक्स्ट बुक्स गिवन थी। हमने पहले टेक्स्ट बुक की जो है वो कॉस्ट लिखनी है, वो है 96 रेशो, फिर स्टोरी बुक्स की कॉस्ट है 36। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इसके कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करते हैं। तो इसका 96 और 36 का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो होगा आपके पास 12। इसको आप डिवाइडेड बाय 12 करें, 12 8 96 12 3 36। तो हमारे पास टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक की अमाउंट्स की रेशो आ रही है 8:3। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ ₹7200 एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ ₹6300 पर मंथ। यानी एक मंथ में मिस्टर बिलाल कितने अर्न कर रहे हैं और कितने उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी उसमें से अपनी अमाउंट जो सैलरी है मंथली उनकी 7200 रुपीज़, उसमें से वो कितना स्पेंड कर रहे हैं 6300। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग्स टू हिज इनकम। अब इस स्टेटमेंट में अगर सेविंग्स गिवन नहीं है तो आपको पता है कि जो जितनी इनकम है उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग आएगी। इसलिए सबसे पहले हम सेविंग फाइंड आउट करेंगे ताकि नेक्स्ट हम सेविंग और इनकम की रेशियो फाइंड आउट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, मंथली इनकम कितनी है, ₹7200। ठीक है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर्स कितने, ₹6300 पर मंथ। यानी एक मंथ में मिस्टर बिलाल 7200 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, उसमें से 6300 रुपीज़ उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, तो सेविंग क्या होगी, सेविंग्स इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स। ₹7200 - 6300, तो हमारे पास सेविंग्स आ जाएंगी इनकी ₹900।
हाँ जी, अब चूँकि हमारे पास सेविंग आ गई है और वो हमें कह रहे हैं रेशो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे रेशो ऑफ सेविंग टू इनकम। सेविंग टू इनकम को आपने वर्डिंग को नोट करना है कि पहले आपने सेविंग लिखनी है, सेविंग है 900 और उसके बाद इनकम है 7200। तो सिंप्लीफाई करते हुए हम जीरोस को ऐसे कैंसिल कर देंगे और उसके बाद इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 9:72 है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 1:8। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास सेविंग टू इनकम जो रेशो आ रही है वो है 1:8। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, समीना स्पेंड्स 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट्स एंड द रेस्ट टू परचेज च्युइंगम, यानी जितनी भी उसकी पॉकेट मनी है उसका 3/4 जो है वो चॉकलेट पे स्पेंड कर रही है और जो बाकी की उसकी पॉकेट मनी बच रही है उसको वो च्युइंगम पे। अब उन्होंने इतनी स्टेटमेंट में हमें ये नहीं बताया कि समीना की पॉकेट मनी है कितनी। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन चॉकलेट्स टू दैट स्पेंट ऑन च्युइंगम। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि समीना की पॉकेट मनी अगर हम सपोज करें ₹1, क्वेश्चन नंबर 5, लेट समीनाज पॉकेट मनी इज इक्वल टू ₹1। इस 1 रुपये में से वो 3/4 जो है वो चॉकलेट पे स्पेंड कर रही है, स्पेंड ऑन चॉकलेट्स इज इक्वल टू 3/4। अब 3/4 को अगर हम उसकी टोटल पॉकेट मनी जो हमने ₹1 फाइंड आउट सपोज की है उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वो अमाउंट आएगी जो वो च्युइंगम पे करेगी स्पेंड, स्पेंड ऑन च्युइंगम 1 - 3/4। तो इसका एलसीएम लेके हमारे पास ये आ जाएगा 1/4, यानी अपनी पॉकेट का 1/4 वो है च्युइंगम पे स्पेंड कर रही है। अब हम इन दोनों अमाउंट्स की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि उन्होंने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन चॉकलेट टू दैट स्पेंट ऑन च्युइंगम। रेशियो ऑफ अमाउंट्स, चॉकलेट की रेशो आ रही है 3/4 और च्युइंगम की आ रही है 1/4। ठीक है, अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करें जो कि इनका एलसीएम है, तो हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 3:1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी वो अपनी पॉकेट मनी का जो है उसमें से 3 जो है उसकी चॉकलेट की रेशो आ रही है और च्युइंगम की रेशो आ रही है 1। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इन 70 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द अमाउंट ऑफ योर मिल्क इज़ 56 लीटर्स, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। तो इसमें अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क तो वो बता रहे हैं कि हमारे पास 56 लीटर्स है, लेकिन रेशो वो पूछ रहे हैं वाटर, मिल्क टू वाटर की। तो सबसे पहले हमारे पास प्योर मिल्क जो है वो 56 लीटर्स है लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, तो जो टोटल मिक्सचर है उसमें से अगर हम अमाउंट ऑफ मिल्क को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगी। हाँ जी, हमारे पास है अमाउंट ऑफ मिक्सचर जो है, सॉरी टोटल मिक्सचर जो है मिक्सचर इज इक्वल टू 70 लीटर्स।
अमाउंट ऑफ मिल्क, प्योर मिल्क जो है फिफ्टी सिक्स लीटर्स है। तो अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए टोटल मिक्सचर में से अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क को माइनस करें। तो ये हमारे पास आ रहा है मिल्क 14 लीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद उन्होंने कहा है कि रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर, क्योंकि अब पहले हमारे पास सिर्फ मिल्क था और हम टोटल मिक्सचर में से अमाउंट ऑफ मिल्क को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगी। अब हम इन दोनों की रेशो मिल्क टू वाटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर, तो मिल्क है हमारे पास 56 लीटर और हमारे पास आ रहा है वाटर 14 लीटर्स। तो हमारे पास रेशो में 56 और 14 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 14। इसलिए हम इसको डिवाइडेड बाय 14 करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 4:1। हाँ जी, मिल्क की रेशो 4 आ रही है और वाटर की रेशो जो है वो 1 है। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6A का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें वो बता रहे हैं कि अहमद अर्न्स रुपीज़ 5,400 इन अ मंथ एंड स्पेंड्स रुपीज़ 4,500, फाइंड द रेशो ऑफ। पार्ट वन में वो कह रहे हैं हीज़ इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, सेकेंड में है हीज़ इनकम टू हिज सेविंग्स और थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं हीज़ एक्सपेंडिचर्स टू हिज सेविंग्स जो है आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो मंथली इनकम है और उसमें जितना वो स्पेंड कर रहा है यानी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको सबट्रैक्ट करके हम सेविंग्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम इन थ्री पार्ट्स को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। हाँ जी, इनकम कितनी है रुपीज़ 5,400 रुपीज़ जो है वो मिस्टर अहमद जो है उनकी इनकम है और उनके एक्सपेंडिचर्स हैं यानी वो कितना स्पेंड कर रहे हैं रुपीज़ 4,500। तो सेविंग आपको पता है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स 5,400 जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी ₹900। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट वन। उसमें वो कह रहे हैं कि उसकी आपने रेशो फाइंड आउट करनी है, रेशो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। इनकम हमारे पास है 5,400 रुपीज़ और एक्सपेंडिचर्स हैं 4,500। ठीक है, इसमें हम ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने के बाद इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ फाइंड आउट डिवाइड कर देंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 9 इसमें, इसलिए हम इसको डिवाइडेड बाय 9 करेंगे ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए। 9 6 54 और 9 5 45, इट इज़ द रेशो ऑफ इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट है इज हिज इनकम टू हिज सेविंग्स। तो हम इतना पोर्शन अपने पास रहने देते हैं ताकि हमें इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का पता रहे। और पार्ट वन जो हमने सॉल्व किया है, अब इसके बाद हम इसके जगह पार्ट टू सॉल्व करते हैं। रेशो ऑफ हिज इनकम टू हिज सेविंग्स, रेशो ऑफ इनकम टू सेविंग्स। हाँ जी, इनकम फिर हमारे पास है रुपीज़
5400 और हमारे पास उसकी सेविंग है रुपीज़ 900। तो इसमें ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 आएगा, तो इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 9। 9 6 are 54 एंड 9 1 are 9। इट इज़ द रेशो ऑफ इनकम टू सेविंग। इसके बाद लास्ट थर्ड पार्ट है हिज एक्सपेंडिचर्स टू हिज सेविंग्स, उसकी रेशो अब आपने फाइंड आउट करनी है। रेशो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर्स टू हिज सेविंग्स, तो एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे पास 4500 एंड सेविंग इज 900। इसमें भी हमारे पास जीरोस को कैंसिल आउट करने के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच रहा है, बन रहा है इनका 9, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। 9 5 are 45 एंड 9 1 are 9। तो ये हमने इसके थ्री पार्ट्स जो हैं इस तरीके से सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा। अब आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ में जब आप तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करते आपको वो अच्छे तरीके से आएगा नहीं। अल्लाह हाफिज़।